क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत ने मेलबर्न वनडे को जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीतकर इतिहास भी रच दिया। मगर ये जीत टीम इंडिया के हाथ से फिसल सकती थी और भारत मेलबर्न वनडे के साथ ही सीरीज भी हार जाता, क्योंकि 29वें ओवर में कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि कंगारू अब धोनी पर बेईमानी का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन भारतीयों का कहना है कि धोनी ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो आप भी इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। असल में ऑस्ट्रेलिया के लिए 29वां ओवर पीटर सिडल लेकर आए। सिडल के ओवर में पहले धोनी के पैड पर बॉल लगी, लेकिन अपील के बाद अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। कंगारू ने रिव्यू लिया तो अंपायर कॉल पर धोनी नॉट आउट रहे, मगर अगली ही बॉल पर धोनी के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल विकेटकीपर कैरी के हाथों में चली गई। मगर यहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कोई अपील नहीं की। हाँ, मैक्सवेल कुछ उत्साहित जरूर नजर आए, मगर मैक्सी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब अपील नहीं हुई तो अंपायर ने भी आउट नहीं दिया, और आउट नहीं दिया तो धोनी भी क्रीज पर डटे रहे। अब इसी बात पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया में धोनी को बेईमान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि धोनी खेल भावना दिखाते हुए खुद विकेट छोड़कर जा सकते थे। लेकिन भारतीय फैंस ने इसका जबरदस्त जवाब दिया है और कहा कि जंग में सब कुछ जायज है, और एक जंग ही थी और इसीलिए माही ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो देश के लिए डटे रहे। तो अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।